Welcome back to my channel. My name is Pranav. You guys are watching Joshing Around. So let's get started. So आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ आयरलैंड कॉर्क के अंदर. अब यहाँ पे अगर आपको 10 यूरो पड़े आपके पास, तो 10 यूरो में क्या ऐसी चीज़ें खाने पीने की, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे शेक डॉग यहाँ पे साउथ मेन स्ट्रीट कॉर्क में, यहाँ पे 10 यूरो में आपको भरपूर खाना मिलेगा. तो मैंने एक्सपीरियंस करा था, तो मैं कहा यार अगर इतना प्यारा एक्सपीरियंस हो, इतना फुलफिलिंग खाना, तो क्यों ना लोगों को बताऊँ, ताकि अगर आप लोग भी यहाँ पे आओ और सिर्फ 10 यूरो हाथ में, तो 10 यूरो में भरपूर खा सकते हैं. तो चलते हैं शेक डॉग और वहाँ पर मंगाते हैं द मील, द ह्यूज मील विद इन जस्ट 10 यूरो. यहाँ पे इतना बड़ा ये शेक डॉग का मेन्यू होता है. यहाँ पे एक है द शेक डॉग डील, ठीक है. चूज वन आइटम फ्रॉम द मीट एंड द बंस, एक बर्गर, ठीक है, वन आइटम फ्रॉम फ्राइज इन द साइड, एक साइड, और एक एनी शेक, सिर्फ 10 यूरो में. तो यहाँ पे मीट एंड बंस में ये सारी चीज़ें आएंगी. तो ये सारे बीफ बर्गर्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे चिकन बर्गर्स हैं, फिलेट बर्गर्स हैं, वेजी बर्गर्स हैं, टेंडर्स हैं और हॉट डॉग्स हैं. तो प्राइजेस क्या है, 7 यूरो ऐसे ऐसे करके हैं. अगर आप इंडिविजुअल लोगे तो ये 7 यूरो, 7.50 यूरो ऐसे पड़ेगा. यहाँ पे देखोगे चिकन बारबेक्यू चिकन 7.5, स्मोकी वेज 7.5, टेंडर 8 यूरो. तो ये वैसे अगर इंडिविजुअल लोगे तो ये बड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर ये चीज़ और एक साइड और एक शेक लोगे तो 10 यूरो का पड़ेगा, मतलब 3 यूरो. और अगर इसको आप फ्लिप करोगे तो फ्लिप में यहाँ पे फ्राइज़ और ये देखोगे तो फ्राइज़ के प्राइस है 5, 4, 3, क्या क्या, चीज़ी फ्राइज़, पेरी पेरी फ्राइज़, ब्रेडेड मशरूम्स, और क्या क्या यार उस दिन क्या खाया था मैंने, पेरी पेरी विंग्स, ये बहुत टेस्टी है, मैं ये वाला मंगाऊंगा. और ये बीफ नाचोज और ये सब है. तो ये चीज़ और प्लस शेक्स. तो शेक्स क्या क्या है, वनीला, चॉकलेट, मिंट, स्ट्रॉबेरी, ओरियो, न्यूटेला, तो सारी चीज़ें यहाँ पे. कोक ज़ीरो वीरो भी है, ये सब क्यों पीना जब शेक है बहुत प्यारा सा. और मिनी मील्स ये, तो मिनी मील्स आपकी कुछ 6.5 की पड़ेंगे. तो एक शेक, एक साइड और एक बर्गर पूरा आपको मिलेगा 10 यूरो में. देखिए आज कौन आया है हमारे साथ फिर से खाने पीने, वेजिटेरियन. वेजिटेरियन आज तो इनको वेज आइटम मिल रही है. हाँ, तो जो भी वेज है उनको आउटसाइड फील होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन भी हैं, है ना, ज़्यादा नहीं है पर चल जाएगा यार. हाँ, वो ये चीज़ अगर आप देखो तो बीफ का इतना बड़ा मेन्यू, चिकन का इतना, वेज का सिर्फ चार आइटम, तो वेज तो बहुत मुश्किल है. ये डील ऐसी है ना, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई आके एक सिंगल बर्गर कोई ऑर्डर करेगा, क्योंकि सिंगल बर्गर ही यहाँ पे 750, 8 या 70 है. तो इट्स बेटर 3 यूरो और मिला के मील ही बनवा लो. सही में, लेट्स सी इफ इट इज वर्थ इट और नॉट. सो वी गेव आवर ऑर्डर और हमने अपनी जगह भी बदल ली, क्योंकि मैं यहाँ पे विंडो साइड पे बैठने का मजा आ रहा था. तो अगर आप सामने देखोगे तो यहाँ पे ब्रिक लेन भी है, यहाँ पे बाहर भी बैठने की बहुत सारी जगह है. तो व्हाट डिड वी ऑर्डर, तो हमने ऑर्डर करा एक बारबेक्यू चिकन बर्गर, हमने पेरी पेरी विंग्स ऑर्डर करे, और हमने करा ब्राउनी शेक. और अब इसमें है क्या, तो ये आपको ऐसे टेबल नंबर दे देता है, तो दे गिव यू अ टेबल नंबर, सो दे डोंट टेक मनी राइट नाउ व्हेन यू आर लीविंग. तुम्हें ये चीज़ वहाँ पे रिसेप्शन पे दिखानी पड़ती है, यू शो दिस टू देम एंड तब जाके तुम्हें टैप करना है. इसको फोल्ड करके निकल के भागने की कोशिश भी कर सकते हो, लेकिन मत करना. क्या मिलेगा, गाटा गाटा मिलेगा. तू भी ब्लॉगर बन जा रहा है ऐसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल लग रहा है तू आज, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओ भाई रैपर इन द हाउस, एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया. शेक आ चुका है क्योंकि हमारा तो स्ट्रॉ रखने का स्टाइल देखा है हमने, ऐसे इसको कितना इनोवेटिव है ना. हाँ, ज़्यादा मत निकाल, सारी गिर जाएंगी, फिर हम हमसे भरवाएंगे वापस वो. तो शेक का ग्लास देखो, लिटिल भाई पूरा लस्सी के जैसे बड़े से ग्लास नहीं होते, एक बंदे के लिए बहुत ज़्यादा है भाई. तू पूरा पी लेगी आज, अगर तूने पी लिया 50 यूरो. This is not fully filled. देखो, मतलब यहाँ तक वो भी है पूरा, बट इनफ है, बहुत है. दैट्स अ ब्राउनी शेक राइट. अच्छा है, ब्राउनी के पार्टिकल्स तो नहीं मिल रहे हैं, बट इट्स टेस्टी. मुझे लगता है ब्राउनी ना नीचे होगी, ऊपर से इन्होंने ज़्यादा वनीला क्रीम आइसक्रीम और ये सब डाला हुआ है. आयरलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स वाकई बहुत अच्छे हैं. अच्छा अच्छा, मुझे तो सही लग रहा है, मे बी दे हैव यूज्ड. नहीं नहीं, अच्छे है आके डेयरी. सो फाइनली सारा खाना आ चुका है, इतना बड़ा लस्सी का गिलास, बाय गॉड इतना ज़्यादा, मतलब अंदर थोड़ा सा कमी डाला है, बट तब भी बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग है. बट मैंने अभी इसको टेस्ट करके देखा, इतना ही अच्छा लगा, क्योंकि जैसे हमारे इंडिया में जैसे मिल्क शेक और ब्राउनी शेक लगता है पूरी चॉकलेट ऐसे बहरी होती है अंदर, वैसे नहीं है, इसके अंदर वनीला ज़्यादा है, आइसक्रीम आई थिंक ज़्यादा है. दैट्स अ ब्यूटीफुल बारबेक्यू चिकन.
बहुत ही जबरदस्त लग रहा है. दिस हैज बेकन, बारबेक्यू सॉस एंड चिकन और ऊपर से पूरा बना रखा है. एंड द मोस्ट फेवरेट, मेरे पर्सनल फेवरेट है, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो ये ज़रूर ट्राई करना है यहाँ पे, द पेरी पेरी विंग्स. बहुत अच्छा. इससे पहले भी एक बार मैंने ट्राई किया, थोड़ा मैं कंपेयर करूंगी. आई विल सजेस्ट दिस, व्हिच वन इज इट? बारबेक्यू, बारबेक्यू चिकन एंड चिकन एंड बेकन, अमेजिंग. ट्राई द विंग्स, द विंग्स अगर एक है यहां पे पूरी उसका केचप देते हैं, केचप क्या रहो उनकी सॉस होती है तो उसमें डालो. No words needed. But it's genuinely, कसम से बोल रहा हूँ, very tasty, good crisp, good spice. ज़्यादा spice भी नहीं है कि पूरा पागल हो रहे हैं spices में. And it's a very good taste. और साथ में इसके साथ में बहुत काफ़ी प्यारा लगा. Favorite 10/10 for these wings. तो ये सही में बहुत ही ज़्यादा प्यारी wings है. जैसा कि आपने देखा, खाना तो अच्छा था लेकिन वेदर देख रहे हो, वो देख रहे हो डे और लाइट. अब ये जब हम अंदर गए थे तब व्लॉग शुरू किया था, तब सवेरा सा हो रहा था और अब एकदम से पूरा अंधेरा सा हो चुका है. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज रियली गुड, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग खाना होता है. मैं सच्ची बता रहा हूँ, 10 यूरो में यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है. आई वुड रेट इट 10/10 क्योंकि मेरा पेट भर जाता है एंड इट्स रियली गुड. सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. काव्या मैन, नहीं काव्या मैन क्या, कैमरामैन काव्या के साथ पीस आउट. पीस आउट.